20 दिसंबर 2021 का टीवीएस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड रिलीज एयर पॉल्यूटेंट। इसका मतलब क्या है कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? लैंडफिल, कंपोस्टिंग, आवाज बहुत कम आ वर्मी रही कंपोस्ट सर, और इंसिनरेशन। वॉल्यूम बहुत कम है सर। और बाकी को आपके सुनाई दे रहा है? क्लियर है बराबर आपके पास एक मतलब, सुन। हाँ आपके पास एक मतलब वॉल्यूम चेक कीजिए, बाकी को क्लियर आ रहा है थोड़ा। तो इसमें मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड रिलीज एयर पोल्यूटेंट, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? लैंडफिल, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन। भूमि की भराई, कंपोस्टिंग, कृमियों से खाद बनाना और भस्म करना। सर ये थर्ड, SST है क्या, EVS है? सर ये ईवीएस है। लग रहा सर थर्ड या सेकंड। भूमि आ गया तो आपने क्या उसको SST समझ दिया था? जमीन, लैंडफिल, भूमि की भराई। हाँ सर वो प्रदूषण वो SST में ज्यादा रहता ना सर, वो हवाई मंडल। हाँ, बराबर। उसका आ रहा है फोर्थ, भस्म करना। ठोस अपशिष्ट पदार्थों को निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि में वायु में प्रदूषण फैलता है? तो जब जलाते हैं भस्म करके, तो उससे माहौल में एयर पोल्यूटेंट से क्या हो रहा है? प्रदूषण फैल रहा है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल से। भूमि की भराई, कंपोस्ट और कर्मियों में खाद बनाने से नहीं फैल रहा, भस्म करने से फैल रहा है। अ प्लेस विच हैज एक्सपीरियंस प्रोलॉन्ग्ड फ्लड्स विल कॉज। इसका मतलब क्या है कि वो स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर सैलाब की बात कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों में किसका कारण होता है? रिसेटलमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रिपार्ट्रिएशन या रिहेबिलेशन। फोर्थ सर उसका सेकेंड आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, वो स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानांतर का कारण बनता है। स्थानांतर, पुन स्थापन बोले तो फिर से रिसेटलमेंट, रिहेबिलेशन होना, मतलब वहाँ बाहर वापस से बच जाना, और स्थानांतर मतलब जो है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ रहा है। टेपियोका इज अनदर नेम फॉर, कप्पा सेकंड। तो सेकेंड बिल्कुल सही है। टेपियोका का दूसरा नेम जो है तो कप्पा आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिश इज पॉपुलर इन हांगकॉन्ग? हांगकॉन्ग में कौन सी डिश पॉपुलर है? सेकंड लिंगू फेन, सेकेंड लिंगू फेन सेकंड। बिल्कुल सही है, लिंग हू फेन। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ बर्ड्स बीक इज यूज्ड टू टियर एंड ईट मीट? किस प्रकार के पक्षी सांप, चोंच मीट को काटने और खाने के काम आते? टिकोने, सर हल्की एक मिनट, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी लंबी पतली सुई जैसी। हुक जैसी सर, हुक जैसी चोंच। थर्ड, 65 का थर्ड सही जवाब है। सुई जैसी तो चोंच ही नहीं होती, लॉन्ग थिन नीडल लाइक बीक, तो हुक्ड बीक, हुक जैसी चोच। जो सर गिद्ध, गिद्ध की रहती, देखो सर गिद्ध मुर्दार जानवर खाता, सामने हाँ से थोड़ी बराबर सी हुक जैसी रहती। बराबर, जो कि उसमें और क्या दे रहा है कि वहां पर से वो टियर करने वाले, टियर और खाने के लिए, हार्डने और खाने उसको, मुर्दार को। नेक्स्ट है, अ टीचर हैज टू टीच Grade 4 स्टूडेंट रिलीज टू क्विक स्नैक इन हर क्लासरूम, विच डिश विल बी प्रिपेयर्ड क्विकली? कौन सी बनेगी जल्दी?
तो इसको एक बार एक हिंदी में भी देख सैंडविच लेना है। हाँ, कि एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने भेलपूरी। वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना। अंडे का सैंडविच सबसे ज्यादा जो जल्दी बनेगा। देखते हैं, 66 का फोर्थ है, भेलपूरी जल्दी हाँ सर, बनेगी। भेलपुरी जी सर। ये कस्टर्ड का मतलब क्या है? सर अपन कस्टर्ड बनाते नहीं कि रमजान में फ्रूट्स का? हाँ, रमजान बराबर। तो उसको मतलब काटना करना होगा सब। भेलपुरी क्या है कि मुरमुरे लो और उसको मतलब इमली पानी वगैरह लेकर जल्दी से, तो फास्टेस्ट में बता रहा है। और ये चीजों को आग लगेगी, डोसा वगैरह। द आर्ट ऑफ पत्थर चित्रा इज ट्रेडिशनल पेंटिंग। पत्थर चित्र जो है तो कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प हैंडक्राफ्ट का प्रतीक महाराष्ट्र, है? सेकंड उड़ीसा। महाराष्ट्र उसका सेकंड या बिल्कुल मध्य सही है, प्रदेश। उड़ीसा। पटचित्र उड़ीसा। ये पेंटिंग हैंडक्राफ्ट स्टेट का, ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट उड़ीसा का है। नेक्स्ट है 60। ड्यूरिंग द पेंडेमिक डॉक्टर्स एडवाइज टू कंज्यूम विटामिन सी रिच फूड। तो इसमें से किसमें ज्यादा होता है विटामिन सी? फोर्थ ब्रोकली, सर, हिंदी बताइए सर, रबी, फिर लेमन। हिंदी। क्या था? ब्रोकोली जो है तो वो ब्रूसली का भाई, मतलब वो ऐसा नहीं है, वो गोभी जो दूसरी आती है वो है। हाँ, जी सर, ग्रीन कलर की ट्री के जैसी ग्रीन सर। टाइप। देखिए, ये सी जो है वो क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है बीमारी से लड़ने में। तो काली मिर्च सेकेंड भी को हो संतरा सकता है। विटामिन सी फोर्थ संतरे में होता है। फोर्थ खट्टी चीजों में फोर्थ भी विटामिन लग सी रहा है। पाया फोर्थ जाता। फोर्थ ब्रोकली हाँ, तो संतरे। संतरा तो सेकेंड में भी आया ना। देखते हैं उसका आंसर। उसका फोर्थ सही जवाब है, फोर्थ ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। लेमन में पाया जाता है, स्ट्रॉबेरीज में विटामिन सी और ब्रोकली। अब यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पेपर था और यहाँ पर सोयाबीन, तो सोयाबीन और ये दोनों में नहीं आ रहा। जी सर, ठीक और मिल्क में तो विटामिन डी है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन? कॉमन प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन, है। फोर्थ उत्तराखंड क्यों उत्तराखंड। बदलता? उत्तराखंड में झूम खेती करी जाती सर, उसमें उत्तराखंड आपने के सेकेंड कहीं। मिजोरम। मिजोरम। यहाँ बहुत कंफ्यूज हो रहा सर, मिजोरम के दो क्वेश्चन चिराउडास गलत आता हुए है, पहले। चिराउडास मेरा मिजोरम कहीं। मिजोरम का ही है, उससे याद रख लीजिए। झूम कल्टीवेशन चिराव डांस में झूमते हैं वो, तो झूम कल्टीवेशन मिजोरम। हालांकि हर तरफ डांस होता है, लेकिन ऐसे याद रखने की। सर, नेक्स्ट, झूम झूम खेती, झूम खेती कल्टीवेशन, वही झूम खेती। चले, ग्रुप ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व है, पोंगल, उगड़ी, बिहू, लोहड़ी। ओनम, पोंगल, बिहू, विशु। फर्स्ट फर्स्ट लग रहा सर, बिहू पे और लोरी पे फसल काटी जाती। थर्ड है पोंगल उसका, का क्या है? फर्स्ट ओनम, पोंगल, उगड़ी और विशु। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व। अब इसको याद कैसे रखेंगे? OPUV। ओनम, पोंगल, क्या ये उगड़ी एंड विश्व। उगाड़ी उगाड़ी और विशु। उसके बाद है, वर्ली ट्राइब इज वेल नोन फॉर वर्ली आर्ट विच इज मेड बाय यूजिंग। वर्ली आर्ट इसमें से किससे मिलके बनाए? ग्रास स्टोन, बैम्बू स्टिक स्टोन, काव ड्यूंग एंड अर्थ, अर्थ एंड स्टोन। बांस और पत्थरों से। थर्ड हाँ, रहेगा इसका, थर्ड थर्ड सर, काउ। तो थर्ड सही है, गाय के गोबर और मिट्टी से वर्ली
वर्ली ट्राइब नोन है इसके वर्ली आर्ट से, जो कि हाउ डू यू महाराष्ट्र मैन्युफैक्चर। में बनाई जाती, महाराष्ट्र में। ओके राइट, नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, इसका मतलब क्या, ट्रॉपिक भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजर, कर्क रेखा, तो इसका क्या करेंगे? उत्तराखंड है क्या? उत्तर प्रदेश, मस्त है छत्तीसगढ़। सर, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सवाल उड़ीसा, का ऐसा मतलब कुछ समझा, कर्क रेखा क्यों, क्या है तो? वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है सर, लैटिट्यूड है। कौन कौन से जो स्टेट्स इम्पोर्टेंट हैं वहां लैटिट्यूड से में कैंसर से एक है ट्रॉपिक ऑफ पाया कैंसर। जाता हाँ वो है? कहाँ थर्ड कहाँ से पाया जाता है? 8 स्टेट से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। उड़ीसा फर्स्ट है सर। तो सेकंड आ रहा है, उसमें क्या क्या है? छत्तीसगढ़ जो भी बोले, और गुजरात, गुजरात भी है, और झारखंड। देखिए 8 याद रखिए। हाँ सर कर्क रेखा क्यों बोला गया उसको, किस क्यों बोला गया था? वजह से? क्या वो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स में से एक है सर, जिससे क्लाइमेटिक जोन है तो डिफाइन होते। इक्वेटर के ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ऐसे रहते। तो हाँ फाइव इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक जाती इंडिया में से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। राइट, ट्रॉपिक तो नाम है बस, वो नाम दिया हुआ है उसको, ट्रॉपिक ऑफ ऑफ कैंसर। कैंसर ऐसा नाम दिया हुआ है, मतलब लेफ्ट साइड में गुजरात है, गुजरात, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश आता है उसी के बाजू गुजरात के, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ आता है, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ऐसा मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो सारे एक लाइन में आते हैं वो, तो ये 8 को जो है तो वो हिसाब से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये नाम दिया गया, कि ये इससे पास होता है बोलकर, जिसमें गुटखा तंबाकू का नहीं है यहाँ पर जिक्र, ये डायरेक्टली ये जहन में सर रखना है कि एक लाइन है गुजरात से लेके, तो 8 याद रखना है उसके। हाँ सेकेंड है ना सर उसका? और ऐसे भी पूछ सकता है आपको, इमेजिनरी लाइन होता है वो जो कि एंगल ऑफ 23.50 पे होता है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में, मिडल ऑफ इंडिया से जो पास होता है, मतलब जो 16 कंट्रीज है, 3 कॉन्टिनेंट्स है, और 6 वाटर बॉडीज है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं, मतलब इसके थ्रू में जो और एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो ये चीज़ें याद रख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, अजय इज इन भोपाल एंड ही वांट्स टू अटेंड कॉन्फ्रेंस इन गैंगटॉक एंड पुडुचेरी, व्हिच इज द पोजीशन ऑफ गैंगटॉक एंड पुडुचेरी फ्रॉम द वेयर अजय इज, तो क्या है कि अजय भोपाल में है और गैंगटॉक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है, जहां पर अजय है वहां से गैंगटॉक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है? इस बार का ईवीएस सचमुच में उन्होंने सोशल साइंस की तरह डाल दिया, ये वाले जिनको ये क्वेश्चन पेपर आया, SST के दिख रहे सर। सर तो इसमें क्या रह सकता है? ठीक तो इसकी पोजीशन क्या है, तो मैप जिसको याद है वो दे सकता है, उसका थर्ड है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, गैंगटॉक एंड पुडुचेरी की ये पोजीशन। उसके बाद है 74, विच इज द स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम आर्कटिक रीजन टू इंडिया, कि कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? सर हिंदी के ऑप्शन बताओ सर। पिंटेल डक जिसको कहेंगे सिक पर बदक, ऑस्प्रे जिसको कहेंगे छोटी मत्स्यपुरी, और फ्लेमिंगो हलसवार, सिंटेट और छोटी जलंकर, सेकेंड लग रहा था, सेकेंड या थर्ड? फ्लैमिंगो बर्ड, लिटिल स्टिक, उसका फोर्थ है लिटिल स्टिल्ट,
इसको हिंदी में कहेंगे छोटी जलांग्रह। जलरंग तो वो जल से रखा हुआ लिटिल स्टिंट, इसको आर्कटिक रीजन से याद रखना, देखना पड़ेगा आर्कटिक जी सर, एक रीजन बार से कुछ देखना पड़ेगा, माइग्रेटरी, स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी। क्या बोले? हाँ एक बार फोटो भी देखना पड़ेगा सर, थोड़ा माइंड में बैठ जाता ना बाद में, यूट्यूब गूगल पे। हाँ जी, 2 मिनट। हाँ लिटिल स्टिंट जी लिटिल सर, स्टिंग जी जगह पाइलेट्रिस मिन्यूटा, इसको ऐसा दूसरा नाम भी आ सकता है। साउथ अफ्रीका टू साउथ एशिया, ये भी एडिशनल याद रख सकते हैं, डिस्टेंट माइग्रेट। इसके बाद ये नेक्स्ट है, रोनी प्लान्स टू ट्रैवल फ्रॉम इटली टू इंडिया। रोनी प्लान कर रही है ट्रैवल करने इटली से इंडिया। हिज फ्रेंड आस्क हिम टू ब्रिंग द स्पेशल इटालियन चीज। व्हाट टेक्निक वुड बी द बेस्ट वे टू प्रिजर्व द चीज एंड ब्रिंग इट टू इंडिया? कैनिंग, डिहाइड्रेटिंग, सॉल्टिंग, वैक्यूम पैकिंग। कि रोनी इटली से भारत यात्रा की योजना बनाए, उसके मित्रों ने उससे वहां से इटालियन चीज पनीर लाने के लिए कहा, तो कैसे उसको सुरक्षित ला पाएंगी वो, डिब्बा बंद करके, निर्जलीकरण, लवणन जिसको बोलेंगे सॉल्टिंग करके, या निर्वात निर्वात पैकिंग, फोर्थ वैक्यूम लग रहा पैकिंग। सर निर्वात, तो उसका फोर्थ सही जवाब है, वैक्यूम पैकिंग। कैनिंग मतलब क्या? डिब्बा बंद। तो वो चीज डिब्बा बंद में खराब हो जाएगा। डिहाइड्रेटिंग किसको कहेंगे? के पानी नहीं लगने देना उसको। और सॉल्टिंग वो जैसे कि गोश्त वगैरह में ज्यादा इस्तेमाल होगा, या फिर सॉल्टिंग, हाँ नमक वगैरह लगाकर। तो वैक्यूम पैकिंग इसमें रहे। ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस हाउ विल एन ईवीएस टीचर टीच विजुअली चैलेंज स्टूडेंट? अब जैसे कि जूम की क्लास चल रही है, तो उसमें अगर कोई देख नहीं सकते तो उनको कैसे पढ़ाएंगे? बाय शेयरिंग वॉइस मैसेज, यूज अलॉट ऑफ ओरल एक्सप्लेनेशन, बाय पीयर एक्सप्लेनेशन, यूज कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। अब इसमें देखिए चारों भी हो सकते हैं, ए बी सी, बी सी डी, बी और डी। ए बी सी डी होगा सर इसमें, सेवेंटी सिक्स का फर्स्ट है, ए बी सी डी नहीं रह रहा, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, ठोस अनुभव का उपयोग। तो उपयोग करना उसको देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि क्लास है वो, तो सहपाठी के द्वारा और मौखिक व्याख्या का उपयोग करके आवाज में संदेश ही साझा करके। नेक्स्ट है, फॉर कैटरिंग द एजुकेशनल नीड ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, अ टीचर कैन मॉडिफाई हर ऑनलाइन टीचिंग बाय टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम स्पेशल एजुकेटर ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास, प्रोवाइडिंग ऑफलाइन क्लास एक्सक्लूसिव फ्रॉम देम, या फिर इंट्रोड्यूसिंग सबटाइटल एंड इंस्टेंट कैप्शन इन हर वीडियो एंड पीपीटी यूजिंग मोर विजुअल। तो वो मगरिब का टाइम होने वाला है, जल्दी जल्दी बोलिए। तो चारों भी है ये, एजुकेशनल नीड हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए सपोर्ट भी रहेगा स्पेशल एजुकेटर का, ऑफलाइन क्लास भी रहेंगी उनके लिए, और सबटाइटल वगैरह भी रहेंगी, क्योंकि सुन नहीं सकते तो सबटाइटल देखकर पढ़ लेंगे। मोर विजुअल, और अच्छे से जैसा भी बर्ड की इमेज देखे। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर फॉर प्री सर्विस टीचर टू नो हिज और हर वैल्यूज, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, दे विल यूज फॉर्मेटिव समेटिव सेल्फ असेसमेंट, फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट। प्री सर्विस टीचर के हिसाब से इस वैल्यू, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड क्या यूज करेंगे? सेल्फ सेल्फ असेसमेंट
सर। थर्ड सही जवाब है, सेल्फ असेसमेंट टूल, बिल्कुल सही। उसके बाद है, एन ईवीएस टीचर हैज डिसाइडेड टू गिव अ होमवर्क एक्टिविटी स्टूडेंट अंडरस्टैंड करने प्रोसेस जर्मिनेशन का। तो इसमें से क्या मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी है, प्रिपेयर करना चार्ट डायग्राम, प्लांट सीड इन पॉट, ऑब्जर्वेशन ऑफ जर्मिनेशन। थर्ड तो उसका थर्ड बिल्कुल सही, ऑब्जर्वेशन उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है, एन ईवीएस टीचर आस्क्ड हर थर्ड ग्रेड स्टूडेंट टू पुट फूड फीडर ऑन देयर टेरेस और ओपन एरिया। उसने क्या किया, ईवीएस टीचर ने थर्ड ग्रेड स्टूडेंट को उनका खाना फूड फीडर में टेरेस या ओपन एरिया में रखा। तो शी देन आस्क्ड टू देम टू प्रिपेयर अ डेटा शीट, बनाओ डिफरेंट बर्ड्स की और विजिट जिन्होंने किया फीडिंग स्पॉट पर। तो ऑब्जेक्टिव इस एक्टिविटी का क्या था, इंगेज करना स्टूडेंट को घर पर, सेंसिटाइज करना बर्ड्स कैसे विचार एक्सटिंक्ट हो गए, हेलो थर्ड थर्ड जी ऑब्जर्वेशन जिसमें आया इसलिए। तो थर्ड बिल्कुल सही, सर। सही जवाब। नेक्स्ट है, 81 अ टीचर इन द क्लास डिस्कस करता है फेस्टिवल हमारे कंट्री के, इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर डिफरेंट कल्चर, सम फेस्टिवल कॉमन है और सेलिब्रेट होते हैं ओवर द कंट्री में। तो कौन सा कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहा है वो तो डील करने में क्लास में आएगा। वैल्यू ऑफ फेस्टिवल इन आवर आर लाइफ, यूनिट इन डाइवर्स कल्चर, फेस्टिवल्स डू नॉट हैव द कल्चरल रीजन बैरियर्स, फेस्टिवल गिव्स अस पीस एंड प्लेजर। एबीसी डी भी हो सकता है। ठीक प्लेजर उसमें फर्स्ट है ए बी सी डी पूरा, कि क्लास जी सर। जो ठीक है डिस्कस हो फिर रही है आरओ भी फेस्टिवल कंट्री की, डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर से, तो कॉमन और सेलिब्रेट जो होते हैं वो डील करेंगे वैल्यू हमारे भी, और यूनिटी डाइवर्स कल्चर में फेस्टिवल जो कल्चर या रीजनल बैरियर नहीं है जिसमें, और पीस एंड प्लेजर। नेक्स्ट है, अ टीचर इन अ रूरल स्कूल इज टीचिंग फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक, बेस्ट स्ट्रेटेजी इसकी क्या है, यूज करना सेल्फ प्रिपेयर्ड चार्ट, इमेज ऑफ वेरियस प्रिजर्वेशन टेक्निक, डिस्प्ले करना सैंपल ऑफ फूड आइटम, रिजल्ट जो होंगे शो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना शॉर्ट क्लिप के लिए, या फिर अरेंज करना फील्ड फोर्थ ट्रिप। सर, फोर्थ राइट, फील्ड क्योंकि उसमें फील्ड ट्रिप आया, उसका बहुत अहम रोल है ईवीएस में। नेक्स्ट है, एन ईवीएस टीचर टीचिंग कर रहा है अबाउट वैल्यू ऑफ फ्लावर्स ऑफ एनसीईआरटी टेक्स बुक, तो क्या सोर्सेस वो यूज करेगा, रिसोर्सेज मैप ऑफ इंडिया, मधुबनी पेंटिंग, डिफरेंट लोकल फ्लावर वर्कशीट। ट्रिप सर उसका बी और डी फर्स्ट। फर्स्ट सही जवाब है, सारे रहेंगे, मैप ऑफ इंडिया, मधुबनी पेंटिंग, डिफरेंट फ्लावर और वर्कशीट, सारे चीजें आएंगी, रिसोर्सेस। 84 है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड एन इफेक्टिव वे ऑफ सेंसिटाइज स्टूडेंट फोर्थ ग्रेड रिगार्डिंग पोचिंग ड्यूरिंग अ क्लास, पोचिंग यानी कि अनधिकार शिकार, डिबेट, शो न्यूज़पेपर अधिकार क्लिपिंग, स्लोगन राइटिंग। तो क्या रहेगा, 6 सवाल के जवाब जल्दी दीजिए। सेकंड है, शोइंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग, सेंसिटाइज करने, क्योंकि जी ये सर। नया रहेगा, स्लोगन राइटिंग, पोस्टर प्रेजेंटेशन है, डिबेट नहीं है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग। क्यों आया ये, अंधिकार शिकार, पोशिंग। सर ये संवेदनशील बनाना है इन्वायरमेंट से इसके लिए, और न्यूज़पेपर में ज्यादा न्यूज़ आते सर वार्निंग इन्वायरमेंट से। पहले इसको लिख के रखिए, गूगल पे देख लेना उसको पहले, पोशिंग मतलब उसका टर्म, उसमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद है, इफेक्टिव वे टू सेंसिटाइज स्टूडेंट ईवीएस इश्यू ऑफ स्टीरियोटाइप इन ऑक्यूपेशन, इसमें क्या रहेगा, उसका सबसे सही फर्स्ट रहेगा सेकंड है, स्ट्रीट प्ले, सेकंड सेकंड उससे वो सेंसिटाइज होगा कि व्यवसाय में रूढ़वादी छवि के मुद्दे के हिसाब से तरीका अच्छा नुक्कड़ नाटक है जिसमें अच्छे समझेगा, सामाजिक मीडिया समाचार पत्र से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेडियो से। अचीव करना है गोल इन्वायरमेंटल एजुकेशन में, तो निसाब कैसे होना चाहिए, लर्निंग अबाउट इन्वायरमेंट, लर्निंग थ्रू इन्वायरमेंट और लर्निंग फॉर इन्वायरमेंट, क्या रहेगा। तो 86 का सेकेंड है यही वाला, याद रख लीजिए, लर्निंग अबाउट इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट के जरिए और इन्वायरमेंट के लिए। 3 सवाल के जवाब जल्दी दीजिए। अ टीचर आस्क हिज स्टूडेंट टू फाइंड आउट रोज प्लांट इन स्कूल गार्डन, कुछ बच्चों ने नोटिस किया कि सारे फ्लावर को नॉट ब्लूम, कुछ फूल नहीं खिले हैं, नॉट ब्लूम मतलब, ही इंस्ट्रक्टेड देम टू ऑब्जर्व डेली, रोज देखो और लिखो कितने दिन लगे ब्लूम होने में। तो क्या कर रहा है वो टीचर, ऑप्शन ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी, स्किल ऑफ रीडिंग, एक्सपेरिमेंट, क्यूरियसिटी,
वंडर ब्यूटी ऑफ नेचर, एंजॉयमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ ब्लूइंग फ्लावर्स। 87 पर उसका सी सेकेंड और वाला, डी। सेकेंड ऐसे पे एंड बी, स्किल ऑफ टेकिंग अच्छा रीडिंग क्यूरियसिटी, वंडर ऑफ ए और ब्यूटी, बी। इसके लिए वो गार्डन में भी ले जा सकता है, और एंजॉयमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ, तो इसका कोई उससे ईवीएस के एक्सपेरिमेंट से लेना देना नहीं रहे। अ ट्रैफिक पोस्ट और लेवल क्रॉसिंग पे सम पीपल स्विच ऑफ नहीं करते उनका इंजन व्हीकल में वेटिंग के तौर पर, तो मतलब जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल चालू है तो इंजन बंद नहीं किए तो डिस्कस क्या करना चाह रहे इसके जरिए। एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, जुडिशियस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मिस यूज ऑफ नेचर रिसोर्स, गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग स्टेप। 88 सर थर्ड थर्ड ए और डी। सारी चीजें आ रही है, ए बी सी डी, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन भी होगा, जस्ट लास्ट जुडिशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी होगा, मिस यूज भी होगा, और गवर्नमेंट ने भी इसको एक्शन लेना चाहिए, नॉट टेकिंग स्टेप, ये वो वहां पर पुलिस ट्रैफिक पुलिस तो होता है, उन्होंने बोलना चाहिए बंद की। दो सवाल के जवाब जल्दी दीजिए। टीचर इज टेकिंग टू द स्टूडेंट अबाउट द वेज इन विच देयर हाउसेज एंड डेकोरेटेड ड्यूरिंग फेस्टिवल, वो लोकली मटेरियल जो यूज करते सेलिब्रेट करने फेस्टिवल। सवाल का मतलब क्या है? तरीका बता रहा है कि अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते, तो ये चर्चा का उद्देश्य क्या है? लोकल चीजों को मतलब यूज कर सकते हो, लोकल मटेरियल बाहर से मंगाने से, जैसे कि फोर्थ फोर्थ। सब है इसमें। हाँ सब चीजें आएगी, एनहांस स्टूडेंट क्रिएटिविटी, सपोर्ट लोकल आइटम, शेयर लोकल आइटम। और लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कौन सा टूल कलेक्ट करता है क्वालिटेटिव डेटा ऑफ असेसमेंट ईवीएस स्टूडेंट, एनेक्डोटल, पेपर पेंसिल, वर्कशीट, रेटिंग स्केल। रेटिंग सेकंड स्केल सर फोर्थ। फर्स्ट सही आ रहा है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये क्वालिटेटिव डेटा लेता है ईवीएस स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। तो ये हो गया, अब मगरिब की नमाज के बाद 7 बजे तक दूसरी कोई क्लास आएगी।